हेलो थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट आवर मैथ सब्जेक्ट. लास्ट लेक्चर वी स्टडीड लेसन नंबर 14, मेजरमेंट ऑफ टाइम. एंड दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रैक्शन. दिस कैलेंडर वन वी विल लर्न आफ्टरवर्ड. फर्स्ट वी कंप्लीट आवर दिस वन, फ्रैक्शन. व्हाट इज द फ्रैक्शन? देखो यार, हाफ हाफ मीन्स, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है. व्हाट इज दिस ट्रायंगल? है होल ट्रायंगल. होल मतलब कंप्लीट ट्रायंगल है पूरा. अभी इसको हम लोग अगर बीच में से फोल्ड करेंगे, दैट मीन्स इट इज अ हाफ ट्रायंगल. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द फुल पेज. आप दिख रहा है ये स्क्वायर है. ये पेज आपका क्या है? स्क्वायर शेप में है. इफ वी फोल्ड दिस इन द मिडल, अभी ये देखो ऐसे मिडल में आप इसको फोल्ड करेंगे. लुक हियर, इसे फोल्ड करेंगे, दैट मीन्स हाफ है ना, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल लाइक दिस. अगर इफ यू फोल्ड दिस ट्राइंगल यू गेट दिस फिगर. दिस इज द हाफ ट्राइंगल. देखो यह एप्पल है. आप कभी कोई एप्पल कट करते हो? दिस इज द होल एप्पल. होल मतलब पूरा, WHOL, होल मीन्स कंप्लीट. और ये है हाफ, हाफ मतलब आधा. सो व्हाट इज द होल? व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इक्वली इनटू टू पार्ट्स. जो भी कुछ चीज़ है आपके पास, अगर उसको हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज अ हाफ ऑफ अ दैट थिंग. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये पेज है. ये जो आपका पेज है इट्स इन अ रेक्टेंगुलर शेप. अगर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसके दो पार्ट हो गए, है ना, टू पार्ट्स हो गए. ये लाइन से क्या हुआ? दो पार्ट डिवाइड हो गए. दैट मीन्स व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इक्वली इंटू टू पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज कॉल्ड इज द हाफ ऑफ दैट थिंग. ये क्या मतलब, इसका मतलब होता है ये हाफ ऑफ अ रेक्टेंगल. हाफ मीन्स वन कट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. हाफ मीन्स क्या? कोई भी चीज़ दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ हाफ पार्ट. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड हाफ मतलब आधा, है कि नहीं? सो व्हेन समथिंग इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ईच ऑफ द पार्ट इज अ हाफ पार्ट. फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल को डिवाइड हाफ ये किया है, इक्वली डिवाइड किया तो हाफ पार्ट ये होता है. एप्पल को करेंगे तो ये हाफ पार्ट होता है. समझे? लाइक दिस हियर अ होल राइट होल और अ हाफ फॉर ईच पिक्चर. अभी देखो ये क्या है? गावा है. ये क्या है? होल. होल मतलब पूरा है, दैट मीन्स WHOLE होल. और ये क्या है? हाफ, HALF हाफ. ओके, हियर केक. केक दिख रहा है आपको? ये क्या केक क्या है? होल केक है, WHOLE होल. और ये है हाफ, HALF हाफ केक. अंडरस्टैंड? ये वाटरमेलन, ये फूल है, होल है. सो होल वाटरमेलन. होल मतलब पूरा, कंप्लीट. एंड दिस इज वन, दिस वन इज हाफ. इजी है ये है. अभी ये बता मुझे, ये क्या है? होल स्क्वायर है. होल है हाँ, क्या हाफ है? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या है? ये होल. और यह इसका हाफ पार्ट, ये होल स्क्वायर और ये है हाफ. ओके, हाफ स्क्वायर. अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर होमवर्क. होमवर्क में क्या दिया आपको? डिवाइड ईच फिगर इनटू हाफ बाय ड्राइंग अ लाइन. कलर वन पार्ट येलो एंड अदर पार्ट ग्रीन. आपको ये जो पिक्चर दिया है इसको दो पार्ट करने का है इक्वली. इसमें एक पार्ट को येलो कलर करना है, एक को ग्रीन. ये तो होमवर्क है क्योंकि मेरे पास कलर नहीं है. यू हैव टू डिवाइड दिस पिक्चर फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. कलर वन पार्ट इन येलो एंड अदर इज ग्रीन. समझ में आया? ये जो फिगर दिए है इसमें सबको आपको इक्वली डिवाइड करना है. आधे पार्ट को इक्वल, एक को ग्रीन और एक को येलो कलर करना है. हियर ऑल्सो ये फिगर को भी आप यहाँ से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. इधर वाला येलो और दिस वन ये वाला ग्रीन. समझ में आया सबको? अंडरस्टैंड? अभी देखो यहाँ पे भी दिया है, टिक द सर्कल, टिक द सर्कल और अंडर द करेक्ट आंसर. ओके, करेक्ट आंसर जो है इसमें से उसको क्या करो? टिक करो. अभी देखो यहाँ पे क्या फिगर दिया है? ये क्या है? होल है कि हाफ है? क्या ये होल है कि हाफ है? होल पूरा है. ये हाफ, दिस वन होल.
दिस वन, ये क्या है, हाफ हाफ है ना, ये पूरा है, ये भी हाफ है, ओके अंडरस्टैंड, ये है हाफ, समझ में आया, हाफ मतलब क्या, हाफ मीन्स व्हाट, समथिंग इज डिवाइडेड इक्वली इनटू टू पार्ट्स, कोई भी चीज़ के दो पार्ट इक्वल करते उसको बोलते हैं हाफ, क्लियर हुआ, हाफ मतलब क्या, ये सब हाफ कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी देखो क्वार्टर, क्वार्टर किसको बोलते हैं, क्वार्टर मीन्स व्हाट, अभी देखो ये होल सर्कल है, ये होल सर्कल को आप अगर इक्वली फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हो, फोर पार्ट्स, सो दैट इज वन पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर पार्ट, ओके, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, यदि है ना, द अबव सर्कल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, दिख रहे फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वार्टर पार्ट, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पार्ट, अंडरस्टैंड, हाँ। अभी मुझे इसके आंसर बताओ, व्हाट इज द गिवन फिगर, अभी ये फिगर कौन सी है, सर्कल है ना, सर्कल है ना, देन क्लियर क्यों दिख रहा है, सर्कल है, देन इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू, कितने इक्वल पार्ट के इसके, फोर, व्हाट डू वी कॉल ऑल फोर पार्ट्स केप्ट टुगेदर, एक साथ अगर चारों पार्ट रखेंगे हम लोग, व्हाट डिड ऑल पार्ट्स केप्ट टुगेदर, व्हाट डू वी कॉल ऑल फोर पार्ट्स केप्ट टुगेदर, तो क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इवन व्हेन टू पार्ट्स आर केप्ट इक्वल, टू फोर रखेंगे चारों के चारों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, व्हाट डू वी कॉल ऑल फोर पार्ट्स केप्ट टुगेदर, एक साथ रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टर, और दो पार्ट रखेंगे तो उसको बोलेंगे हाफ, है ना, ये टू पार्ट्स मतलब हाफ होता है, ओके, अगर इसके एक ही एक एक पार्ट को क्वार्टर बोलेंगे, और टू पार्ट्स एक साथ रखेंगे ये और ये, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर, और चारों रखेंगे तो उसको होल भी बोलते, होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल पार्ट, ओके, हाँ, हियर ऑब्जर्व द गिवन फिगर, सो दैट मीन्स व्हाट, क्वार्टर पार्ट किसको बोलते हैं, बोलते हैं वेयर एनी फिगर, गिवन फिगर डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ दैट फिगर इज कॉल्ड अ क्वार्टर पार्ट। अभी देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, बनाना है, ऑब्जर्व द फिगर, राइट होल एंड अ क्वार्टर ऑफ फॉर ईच, अभी ये होल है, ये पूरा केला दिख रहा है आपको, बनाना, ये है अ होल बनाना, और ये क्या है, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब उसके चार हमने पीस किए इक्वल, उसमें से एक पीस है ये, इट इज कॉल्ड द क्वार्टर पीस, ये है होल और ये है क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी ई आर, ये है होल, होल केक है, पूरा केक है, और ये है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक केक के फोर इक्वल पार्ट्स किए हमने, उसमें से वन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर। अभी कलर अ क्वार्टर पार्ट ऑफ द ईच फिगर, अभी देखो ये फिगर दिया है सर्कल, इसके फोर इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो आपको क्या बोला है, ओनली कलर अ क्वार्टर पार्ट, क्वार्टर पार्ट मतलब एक ही पार्ट को इसमें से आपको क्या करना है, कलर क्या करना है, इफ यू हैव कलर, कलर इट, हाँ, इधर वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट किए, इसमें से किसी एक पार्ट को आपको क्या करना है, कलर, इसको बोलते हैं क्वार्टर पार्ट, ओके, हियर ऑल्सो वन टू थ्री फोर आउट ऑफ फोर यू मस्ट कलर वन पार्ट, दैट इज क्वार्टर पार्ट, आपको ऐसे कलर से अच्छे से कलर करना है। हियर अभी देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व है, ट्वेल्व में से हाफ सिक्स, अभी देखो इसमें वन पार्ट, आपको कितने फोर पार्ट करना है, तो कितने होंगे, थ्री थ्री का होगा, ये देखो ये वाला वन पार्ट हुआ, हाँ, ये सेकंड पार्ट नीचे, ये वाला थर्ड, एंड ये फोर्थ, देखो वन टू थ्री, एक एक पार्ट में थ्री 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 स्क्वायर है, तो इसमें से आपको क्या करना है, वन पार्ट को कलर करना है,
ओके अंडरस्टैंड, समझ में आया, इसको बोलते हैं क्वार्टर। नाउ नेक्स्ट डिवाइड ईच फिगर इंटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड बाय ड्राइंग अ लाइन एंड कलर अ क्वार्टर ऑफ ईच फिगर। अभी जो भी आपको इधर फिगर दिए हैं इसके चार इक्वल पार्ट करना है, फोर इक्वल पार्ट ऐसे और ऐसे, और इसमें से जो एक पार्ट है उसको कलर करना है। हर एक फिगर के आपको क्या करना है, फोर इक्वल पार्ट्स करने हैं। ओके हाँ ओके ओके एंड एक पार्ट को कलर करना है, अंडरस्टैंड, बस होगा। हियर आल्सो ये भी आपको दिया है, डिवाइड ईच फिगर इनटू फोर इक्वल पार्ट्स टू डिफरेंट वेज एंड कलर। ये जो देखा दिया है पहले, इसको आपको क्या करना है, दो इक्वल पार्ट, एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, होगा दूसरा ऐसे, है ना, दो अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड करना है आपको। तो एक ये पार्ट हुआ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, हाँ दूसरा ऐसे कर सकते हैं, ये भी इक्वल पार्ट हो गए। हाँ यहाँ पे एक तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ दूसरा कैसे कर सकते हैं, इसमें से एक पार्ट को क्या करना है आपको, कलर करना है लाइक दिस। वन पार्ट को कलर किया, इसमें से इसको ऐसे कलर करना है, इसमें से वन पार्ट को कलर करो, अच्छे से लाइन ड्रॉ करो, इसमें से एक पार्ट, अंडरस्टैंड, ओके ओके अंडरस्टैंड दिस मच। ये आपको कलर करना है क्वार्टर एंड हाफ पार्ट एंड थ्री क्वार्टर, आई विल टीच यू ऑन द नेक्स्ट पीरियड आफ्टर वर्क। ओके तब तक ये होमवर्क करो वर्कबुक में और मुझे सेंड करो। ओके बाय।